ओम शांति। अगर आप बीके हेडक्वार्टर्स माउंट आबू राजस्थान में खुद या अपनी फैमिली के साथ जाने का मन बना रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर आने वाले सभी सदस्यों का सबसे पहले अपने आप से परिचय कराया जाता है और अपने आप से परिचय होते ही जो शक्ति इस शरीर को चला रही है उस शक्ति का परम शक्ति से कनेक्शन जुड़ जाता है और वही मेडिटेशन की टेक्निक यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से सिखाई जाती है जिसकी प्रैक्टिस आप स्वयं अपने घर पे, काम पर और पूरी दिनचर्या में आप चलते फिरते भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप एक शांत वातावरण में ये सब सीखते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके जहन में पक्के से छप जाता है। हजारों की संख्या में लोग एक ही छत के नीचे स्वयं परमात्मा से ज्ञान लेते हैं। यहाँ पर आने के लिए आप तीनों ही मार्ग यूज कर सकते हैं। टू कम हेयर यू कैन यूज ऑल द थ्री वेज, एयरवेज, रोडवेज एंड रेलवेज। द क्लोजेस्ट एयरपोर्ट इज उदयपुर एयरपोर्ट। सबसे पास हवाई अड्डा उदयपुर एयरपोर्ट है। और रेलवेज की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट रेलवेज, द क्लोजेस्ट वन इज आबू रोड एंड रोडवेज इज़ ऑल्सो कनेक्टेड। रोडवेज भी कनेक्ट करती हैं राजस्थान के बड़े शहरों से और साथ गुजरात में लगने वाले काफ़ी शहरों से। द मेन पॉइंट, सबसे ज़रूरी पॉइंट है कि आपको अपने लोकल ब्रह्म कुमारी सेंटर को कांटेक्ट करना होगा और वहाँ से आपको दीदी से परमिशन लेनी पड़ती है यहाँ पर विजिट करने के लिए। सो यू कैन ईजिली गूगल द नेम ऑफ योर सिटी। आप गूगल पर जाकर अपना शहर का नाम और ब्रह्म कुमारी टाइप करते हैं तो आपको आपके घर से जो भी सबसे पास सेंटर है, after you do google and you get to know which is the closest Brahmakumaris center, aap wahan par jaiye, you go there and visit that place, take permission from didi ji and visit this beautiful place and enjoy. yahan par sabhi mil jul kar khoob maje karte hain aur saath hi saath सुंदर प्रकृति का आनंद उठाते हैं। पूरे साल एक शांत वातावरण में आप डायरेक्ट परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वाव, ब्यूटीफुल। यहाँ आने पर आपको दिव्य गुण धारण करने के लिए प्रेरित किया जाता है ब्रह्म कुमारीज की ओर से। ओवर हेयर यू आर इंस्पायर्ड टू फॉलो डिवाइन वर्च्यूज इन योर डेली लाइफ। ऑन द लेफ्ट साइड दे आर रिटन इन हिंदी एंड ऑन द राइट साइड दे आर रिटन इन इंग्लिश, लाइक पोलाइटनेस, प्योरिटी, egolessness, discipline, patience, courage, self-confidence, you know, there are roughly 36 divine virtues जो ये almost अब समाप्त हो रहे हैं इस दुनिया से या कम हो रहे हैं। तो this is the real 36 गुण, यही real 36 divine virtues हैं which usually are maybe discussed when people do matchmaking at the time of marriages. They try to match the 36 guns
And I guess these are the real 36 guns, which in actual should be matched as to check compatibility of two persons. और ये 36 गुण धारण करने के बाद after following all these 36 divine virtues हम फिर से एक बच्चे की तरह खुशी से झूम उठते हैं. Wow, true happiness follows. Apart from Brahmakumaris ke alawa Mount Abu ke paas बहुत कुछ है आपको देने के लिए. यहाँ पर there are so many other points apart from visiting Brahmakumaris, और मेरा पसंदीदा point है नक्की झील. And my favorite point is नक्की lake, where I just sit and relax, enjoy the beautiful view of the lake and sit all day long in the remembrance of Supreme Soul and try to recharge my inner energy from the Supreme Soul, one and only Almighty. I hope you like this video. मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपका आने वाला माउंट आबू का ट्रिप बहुत ही सुनहरा और सुंदर यादों से जुड़ा हुआ होगा. Till the time, you guys take care, be healthy and be safe. Bye bye.